हेवी वाट है मोबाइल आउट गाड़ी तो बिगड़ ी जाता है घर पे कोई नहीं सामने वाला बता तभी वो लोग जाते हैं मोह लाइन देखे पीछे भी देखे कितने गाइस तो धूप देखिए बाहर तो गाइस अभी बज रहा है दिन के 3:30 तो अभी गाइस हम लोग ने किया है लंच इतना लेट आज का जो लंच है गाइस बहुत ही लेट हुआ सुबह ब्रेकफास्ट तो जल्दी हो गया था करीब 8:30 बजे और लंच बहुत लेट हुआ ओहो कार कार जो है गाइस बोलते हैं ना पूरी गर्म हो जाती है एसी में तो हे गाइस वेलकम बैक स्वागत है उसका ऑफिशियल लॉन्गेस्ट सो गाइस अभी बज रहा है मैंने बताया आपको 3:30 एसी चालू करता है और प्लान ये है कि अभी जाते हैं पहले घर और आपको मिलता है घर पहुँच के क्योंकि गर्मी में हालत खराब है गाइस राजस्थान की गाइस वजह शाम के 4:30 और मतलब हम लोग घर आ गए थे करीब 3:30-4:15 बजे के आसपास और अभी हम लोग सब जन गाइस मैं भैया अनिरुद्ध शुभम पीयूष सब मिलके जा रहे हैं गाइस आशापुरी माँ के टेंपल और आपको पता है गाइस हम लोग कभी भी राजस्थान आते हैं कोई भी गाइस कितने भी दिन के लिए आए गए चाहे 2 दिन के लिए आए 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए हम लोग आते हैं तो गाइस राजस्थान आते हैं तो वो टेंपल गाइस जाते ही है तो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं गाइस आशापुरी माता के टेंपल जो है मोदरान गाँव में तो बस फटाफट निकलते हैं रेडी 1, 2, 3, 4 रेडी मोदरान गांव पहुंचे और एक टनल क्रॉस करना है तो हम लोग सब गए यहाँ पे बोलते हैं ना चेक कर रहे थे पिच रिपोर्ट कि क्या अपनी कार जा पाएगी या नहीं लेकिन सामने एक दो अंकल ने बोला कि गाड़ी जा सकती है यहाँ से तो निकलते हैं हेवी वाट है मोबाइल आउट गाड़ी लोग पहुंच चुके हैं आशापुरी माता जी के टेंपल मोदरान जय बोलो आशापुरी मात की जय हेलो पहुंच चुके हैं गाइस टेंपल और अपनी कार जो है यहाँ पार्क कर दिया है भैया गए प्रसाद लेने के लिए और बस सभी हम लोग शुभम क्या ऊपर बोलते हैं ना पौंड दिखा रहे ऊपर चढ़ के बोलते हैं इसके पीछे पौंड है देखते हैं पानी भरा हुआ है या नहीं बारिश तो जोरदार आई थी और गाइस ये त्रिशूल भी कितना मस्त लग रहा है ये पौंड देखे गाइस बोलते हैं ना कहीं कहीं तो पानी नहीं है वहाँ पे पानी है वहाँ पानी दिख रहा है वहाँ ज़्यादा पानी है तो बस भैया और पीयूष आ गए प्रसाद लेके जाते हैं अंदर और गाइस मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ बज रहे शाम के 5:30 जो अपनी पूजा वाले गए सब डन है गए मंदिर में आशापुरी माँ के तो बस अभी टाइम है घर जाने का वो लोग बस शूज़ एंड ऑल पहन रहे भैया तो आते हैं और गए निकलते हैं आज गए लंच एंड पूरा लेट किया तो बोलते हैं पूरा शेड्यूल बिगड़ चुका है मतलब घर में मम्मी को नहीं हो तो गए बोलते हैं ना शेड्यूल तो बिगड़ ही जाता है घर पर कोई नहीं था मैं और भैया काम में बिजी थे पता ही नहीं कब खाने का टाइम बोलते हैं ना चला गया तो लंच भी लेट किया करीब 3 बजे के आसपास तो रात को डिनर तो बोलते हैं ना भूख लेट ही लगेगी तो लेट ही करेंगे और वीडियो तो मैंने आज एडिट करके पहले ही अपलोड कर दी क्या रिस्क लिया नहीं है वरना बोलते हैं ना अपने जो फार्म पे नेटवर्क का जो प्रॉब्लम है गाइस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मतलब नेट ठीक से आता नहीं है मैं रात को एडिट करता हूँ तो अपलोड होने में करीब बोलते हैं ना 4-5 घंटे लगते हैं तो मैंने आज दिन में ही कर दिया था वो काम तो बस अभी टाइम है निकलने का निकलते हैं लोग आ चुके हैं शाम के 6:45 तो हम लोग घर आ गए थे और फिर जितनी गर्मी थी मतलब आती तो मैंने चेंज और पूरा कर लिया फेस वॉश पूरा कर लिया लेकिन गर्मी इतनी है कि बोलते हैं ना वापस पूरा पसीना ऐसा हो गया तो इसलिए मुझे क्रिकेट खेलने का तो बिल्कुल मन नहीं है ये लोग ही खेल रहे हैं क्रिकेट कब से गए जो लोग क्रिकेट खेल रहे गर्मी का कुछ बोलते ना फ़र्क ही नहीं है मैं तो पूरा देखेगा इस हाथ में पूरा बोलते ना स्वेटिंग हो गई है तो मैं तो बस गए मैं भी खेल रहा हूँ और इनको खिला रहा हूँ गाइस इतने सारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो
सबको गाइस बोलते हैं ना, दो दो मिनट खिलाएंगे तो 20 मिनट अपने निकल जाएगी। इतना मस्त है छोटा, मज़ा आता है इसको। मैं इसके गले के नीचे ऐसे करता हूँ ना, देखिए अभी नहीं करूँगा, देखिए गाइस चेहरा टच करके ही बैठेगा। ये देखिए गाइस, A few moments later. So guys, ये बज रहा है शाम के 7, तो मैंने जैसे कि मंदिर में बोला था कि लंच जो है मैंने लेट किया था, तो भूख भी लेट लगेगी, लेकिन बोलते हैं ना थोड़ी भूख लग चुकी है, तो मैंने बोला कुछ नाश्ता लेके आता गाँव से, तो जा रहे गाइस। यहाँ से 2 किलोमीटर है जो प्रॉपर जो बोलते हैं ना गाँव, वो और अपना फार्म हाउस जो है वो भी 2 है, तो बस चलते हैं अभी और फटाफट लेके आते हैं। नाश्ता है गाइस, वो ले लिया है कचौरी एंड वो माजा। और गाइस देखिए ये रास्ता इतना छोटा है, सामने से ये भीड़ भी आ जाते हैं ना गाइस शिप्स, तो देखिए एक साइड में कार को थोड़ी देर खड़ा करना पड़ता है तभी वो लोग जा पाते। बहुत है गाइस लाइन, देखिए आप पीछे भी देखिए कितने सारे जा रहे हैं और सामने से और कितने आ रहे हैं। तो बस चलते हैं फटाफट घर और आपको मिलते हैं घर पहुँच के। तो गाइस ये अपना नाश्ता पूरा डन है, और आज वसना बहन ने अपनी जो बाइक है गाइस पूरी साफ कर दी, आप देख सकते हैं टायर नल पूरे चमक रहे, बाइक पूरी चमक रही है, देखिए एकदम मस्त साफ कर दिया वसना भैया ने। तो बस गाइस ऐसे भी आज का ब्लॉग बोलते ना शॉर्ट एंड स्वीट, ज़्यादा आज बाहर जाना हुआ नहीं और हम लोग आज आशापुरी मंदिर गए आपने देखा, तो ऐसे ही कुछ आज का ब्लॉग। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, जल्दी मिले नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।